हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी जो क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इन सब क्रेडिट कार्ड का डिवेल्यूशन हो चुका है। और भाई साहब, जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मतलब लोग बोल रहे हैं कि यार डिवेल्यूशन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, कंपनीज को कस्टमर्स का जो क्रेडिट कार्ड है उसको बंद कर देना चाहिए। मतलब कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि एक ही वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि इससे बड़े बड़े जो कार्ड्स हैं, जैसे कि SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, उसका डीवैल्यूएशन हुआ था, और फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसका जब डीवैल्यूएशन हुआ था, तो मतलब यार मतलब मार्केट मतलब तबाही से, मतलब एक प्रकार से मच गई थी। क्योंकि मतलब ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं जो हमेशा हर प्रोडक्ट पर, लगभग सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कैशबैक देखने को हमें मिलती है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब एक बैंक एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है, तो भाई साहब कितनी सारी चीज़ें उसे छिपाई जाती हैं, उसको अलग अलग तरीके से जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाता है। मतलब कि एक बैंक क्रेडिट कार्ड देने के लिए कस्टमर को, भाई चाहे वो मार्केटिंग से हो, चाहे वो एजेंट से हो, मतलब हज़ार तरीके अपनाती है क्रेडिट कार्ड के, मतलब किसी तरीके से एक कस्टमर अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो ले ले, मतलब बैंक क्रेडिट कार्ड ले ले। मतलब इस तरीके से लोग चीज़ें छपाई जाती हैं, नो कॉस्ट EMI के नाम पर कुछ भी हो रहा है। अब सबको मालूम ही है, मतलब इंटरेस्ट लोग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बैंक बढ़ा कर देते हैं। एक EMI अगर मिस हो जाए तो मतलब पता नहीं मतलब क्या हो जाता है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब इंटरेस्ट लो बैंक, मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बैंक कई बार बढ़ाती है, तो कस्टमर से सारी चीज़ें छिपाई जाती हैं, और ज़बरदस्ती एक कस्टमर को जो खर्चा उसका नहीं था, वो उसको जो क्रेडिट कार्ड दिलवा करके ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है। ये सब प्लान्ड तरीके से होता है, जो इनकी इंटेलिजेंस है, AI है, जो मार्केटिंग है, जो एजेंट से मतलब बार बार एक कस्टमर को पुश करना, भाई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ले लो ले लो ले लो, और वो एक कस्टमर कार्ड ले लेता है, और भाई सबको मालूम है कि उसके जो खर्चे हैं वो 20,000 से लेकर के लाख लाख पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये लोग बोलते हैं यार डीवेल्यूशन रहा है क्रेडिट कार्ड्स का, ये वो प्लान हम कर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार ये डीवेल्यूशन ठीक है, हो रहा है, लेकिन जो भी इस तरीके से कार्ड का यूज़ कर रहा है वो भी ठीक है एक प्रकार से। वो अगर बैंक एक क्रेडिट कार्ड को दे रहा है तो कई सारी चीज़ें छिपा रहा है कस्टमर से, बहुत सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में काफ़ी सारी चीज़ें छिपाई जाती हैं जो कस्टमर को मालूम नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो तो बैंक भी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कस्टमर्स के साथ में गलत कर ही रहा है। तो भाई अगर कस्टमर्स भी बैंक का एक प्रकार से यूज़ ही कर रहे हैं, वैसे तो मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स किसी या दुकान के लिए मंगवा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई भी है, लेकिन आपकी गाइडलाइंस के अनुसार ही एक प्रकार से कि कस्टमर का मतलब कि यूज़ कर रहे हैं आपके कार्ड को, बैंक के कार्ड को, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को डिवेल्यूशन कर रहे हैं, तो भाई उसमें बैंक का पॉलिसी है, बैंक का प्रॉब्लम है, उसमें कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। अभी जिसको यूज़ करना है भाई वो तो करेगा ही, आपने भी तो बड़ी मशक्क़तों के बाद कस्टमर्स को मतलब कि सारी एकदम मार्केटिंग की दुनिया, चाहे एजेंट से हो, मतलब बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे क्रेडिट कार्ड देने के लिए कस्टमर को। तो भाई अब अगर वही कस्टमर वो कुछ कर रहा है, उससे आपके कार्ड से कुछ कमा रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप डिवेल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हज़ार बातें भाई बैंक छिपाता है कस्टमर से, नो कॉस्ट EMI के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो, मतलब अलग तरीके से चार्जेस हों। अगर आप किसी एक EMI को करते हो तो 200 रुपये आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, 0.5 रुपये कर करके वो बैंक वाले मतलब कई सारा पैसा कमा लेते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक भी कुछ ठीक नहीं कर रहा है। आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी कि मतलब बैंक के क्रेडिट कार्ड लोन ये सब देने के लिए एजेंट्स को मार्केटिंग की पूरी पूरी दुनिया है भाई, एक कार्ड एक कस्टमर को देने के लिए। तो
ताकि उसका भी खर्चा कम से कम बढ़ सके, इंटरेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई जब जो इन्वॉल्व रहती हैं। तो यार आपको ये समझनी होगी, कोई बात नहीं, अगर कस्टमर्स इस तरीके से, हालांकि मैंने कभी गलत तरीके से यूज़ नहीं किया, लेकिन भाई अगर मैं अपनी दुकान के लिए कोई कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत है कि क्या? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, कुछ जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, कुछ इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो इस तरीके से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बैंक भी कम नहीं है भाई साहब, बैंक अलग अलग तरीके से, अलग अलग हथकंडे अपना करके, मतलब अपनी नो कॉस्ट EMI के नाम से, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बैंक भी क्रिएट करती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, जो भी जिस तरीके से कार्ड यूज़ कर रहे बिल्कुल करें, और अब कार्ड लिया तो भी यूज़ करेंगे ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये थोड़ी सी कुछ अंदर की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर ये कुछ बातें आपको पसंद आई हैं तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके से और भी वीडियोस, कुछ नए नए अपडेट्स, कुछ नई नई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।